तो ये है इनऑर्गेनिक का चैप्टर डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें दो टॉपिक होंगे, एक होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले है डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा इस टाइप का, पीरियोडिक टेबल, और नीचे यहाँ पे ये वाला स्टार्टिंग वाला होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, और ये जो बीच में होता है इसको कहते हैं डी ब्लॉक, और ये जो नीचे आता है इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। क्लियर? अर्लियर डेज में तो ऐसे भी कह देते थे, अर्लियर डेज की डेफिनेशन जो आज नहीं यूज होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आता है, किसमें आता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेन अल्टीमेट डी सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसमें, पेन अल्टीमेट डी सबशेल। किसमें एंटर करता है, डी सबशेल में, उनको कहते हैं। लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, आती है किसी को डी ब्लॉक एलिमेंट्स की? हमने पढ़ा था ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जिनमें दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शली फिल्ड डी सबशेल, जिनमें क्या हो, पार्शली फिल्ड डी सबशेल हो, पार्शली फिल्ड क्या हो, डी सबशेल। वो एलिमेंट्स जिनमें कौन सा होगा, पार्शली फिल्ड डी सबशेल हो, कहाँ पे, इधर इन एलिमेंट्री स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट में हो, मतलब जैसे वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, या फिर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, उनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको कोई पूछे व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनमें पार्शली फिल्ड डी सबशेल हो, कहाँ पे, उनकी एलिमेंट्री स्टेट में, या फिर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में, उनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? डी में सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, डी में बताएं, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10, और मिनिमम कितने होते हैं, 0। इन दोनों के बीच में होने चाहिए, ना 10 होने चाहिए कंप्लीट और ना 0 होने चाहिए, वो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एग्जाम्पल करते हैं हम, जैसे स्कैंडियम देखो, स्कैंडियम कितना एटॉमिक नंबर होता है, स्कैंडियम का, स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर होता है 21। क्या कन्फिग्रेशन होती है, अर्गोन 18, अर्गोन 18, इसके बाद क्या आता है, 3D और 4S, 3D और कौन सा, 4S, 4S2 और 3D1। तो देख रहे हो इसमें क्या है, पार्शली फिल्ड, इसमें क्या है, पार्शली फिल्ड डी सबशेल है, कंप्लीट नहीं है, पार्शली फिल्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं ग्रुप 11 की। ग्रुप 11 पीरियोडिक टेबल मैं देख सकते हो आप, ग्रुप 11 बताओ मुझे, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 11 क्या होगा, कौन सा है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये देखो पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल यहाँ पे, ये कौन सा आ गया, ग्रुप 1 आ गया, ये ग्रुप 2, उसके बाद ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, ये आ रहा है कॉपर सिल्वर गोल्ड रोहिंटगेनियम, ये वाला कॉपर सिल्वर गोल्ड वाला, ये है ग्रुप 11। ग्रुप 11 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, बोले ग्रुप 11 के एलिमेंट्स, कॉपर सिल्वर गोल्ड और रोएंटगेनियम, RG। तो इनमें से देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन आती है किसी को, 29 पता है आपको, ये एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी। क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, अर्गॉन 18,
3d10 4s2 4s1 4s में 1 आता है। अब मुझे आपने ये बताना क्या ये डी ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं है, बोले नो कोई। सर। हाँ हेलो, ये डी ब्लॉक है या नहीं है? नो सर। देखो आपने कंप्लीट डेफिनेशन नहीं पढ़ी। सर है डी ब्लॉक एलिमेंट, इसने बोला था पार्शली फिल्ड डी सर ही स्ट्रक्चर होता है जहां ना, दो उनकी दो एलिमेंट्री से स्टेट एलिमेंट में देखो और पार्शली फिर फिल्ड उसके बाद इन। कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देखो, और भी चलेगा। तो देखो ये तो ऐसे तो नहीं है, लेकिन अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो होती है कॉपर टू पॉजिटिव। दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकालो इसमें से, तो एक एस में से निकल जाएगा, एक डी में से, तो क्या बन जाएगा? 3d9 3d9। तो देखें यहाँ पे ग्रुप 11 में क्या आ रहा है, पार्शली फिल्ड डी सबशल नहीं होता है एलिमेंट्री स्टेट में, लेकिन कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इधर मैं लिख रहा हूं आल्दो, कौन सा ग्रुप? ग्रुप 11। ग्रुप 11 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, रॉन्टगेनियम, इनमें डू नॉट हैव, इनमें पार्शली फिल्ड डी सबशल, डू नॉट हैव पार्शली फिल्ड डी सबशल इन दियर एलिमेंट्री स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट में पार्शली फिल्ड डी सबशल नहीं है, येट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तब भी ये डी ब्लॉक है। क्यों? बिकॉज दे हैव पार्शली फिल्ड डी सबशल इन कहां पे? मोस्ट अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, पार्शली फिल्ड डी सबशल इन मोस्ट कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आ गया ना ये? क्लियर? यस दोनों सर। में से एक डेफिनेशन भी लग जाएगी तब भी, इन मोस्ट कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप 12 की यस बात। सर। ग्रुप 12, ग्रुप 12 में कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? कौन बोला? हाँ, जो भी ट्रांस होते हैं ये जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपर, निशियम, ये आ जाते हैं। इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या एटॉमिक नंबर होता है जिंक का? 30, अर्गॉन 18, 3d10, 4s2। तो क्या ये डी ब्लॉक है? चेक कर लेते हैं इसकी कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। यस सर। कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2 पॉजिटिव, जेड एन 2 पॉजिटिव। तो अब देखो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो 4s में से, 3d10, तब भी ये पार्शली फिल्ड नहीं आया, कंप्लीटली फिल्ड आया, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, आर नॉट नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या नहीं है? ठीक है, नहीं है, आर नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव, इनके पास पार्शली फिल्ड डी सबशल नहीं है, बिकॉज पूरा लिखना है आपने, दे डू नॉट हैव पार्शली फिल्ड डी सबशल इन दियर एलिमेंट्री स्टेट और इन कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी में भी नहीं है। लेकिन ग्रुप 12 को जिंक, कैडमियम, मर्करी और कॉपर निशियम आर रिगार्डेड एज, इनको सीडो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। सीडो आर रिगार्डेड एज कौन से? सीडो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट आर सीडो? सीडो का सीडो मतलब मींस क्या होता फॉल्स, है? फॉल्स। सीडो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज एक्चुअली दे आर नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्चुअली दे आर नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्चुअली ये डी ब्लॉक नहीं है, बट सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल विद देम, बट कुछ प्रॉपर्टीज, सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स विद देम, जैसे कि रिजेंबल्स विद देम, इसलिए इनको सीडो डी ब्लॉक कहा जाता है। सच एज दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी और
जिंक कैडमियम मरकरी भी ये कम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी मिलती है, इसलिए इनको कहा जाता है सीडो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और स्टडी भी किया जाता है किसके साथ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। तो एक्चुअली ग्रुप थ्री से लेके ग्रुप इलेवन तक जो है ये प्योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, प्योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ग्रुप ट्वेल्व कौन सा है, सीडो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्हीं को इकट्ठे दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। कौन से, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है, मीन्स चेंज। तो देखो इस साइड क्या होते हैं, एस ब्लॉक होते हैं, इस साइड क्या होते हैं, पी ब्लॉक। बीच में क्या होते हैं, ये डी ब्लॉक। तो ये पॉजिटिव होते हैं और ये क्या होते हैं, नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट्स चेंज इन प्रॉपर्टीज। ये रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप मुझे बताओ मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल में, सबसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, सोगे सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव सीजियम है, जहां रेडियो एक्टिव भी अगर इंक्लूड करो तो फ्रेंशियम फर्स्ट ग्रुप का। तो ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब हमारा स्टार्ट हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये लिखा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल ईदर इन देयर कॉमनली एलिमेंट्री और इन कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन अर्लियर डेज। अर्लियर वाला नहीं लिखना है आपने, लेकिन पता होना चाहिए। इन अर्लियर डेज डी ब्लॉक एलिमेंट्स वर डिफाइंड एज द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेन अल्टीमेट डी सबशेल। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स सिंस दे रिप्रेजेंट चेंज इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट। कॉपर सिल्वर गोल्ड कौन से ग्रुप के हैं, ये कॉपर सिल्वर गोल्ड बताओ, ग्रुप 11 डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इधर इन देयर एलिमेंट्री स्टेट, येट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स सिंस दे हैव सच सबशेल्स इन देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नेक्स्ट जिंक कैडमियम एंड मर्करी कौन से हैं, ये 12 ग्रुप 12 के हैं, आर नॉन डी ब्लॉक एलिमेंट सिंस दे डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इन देयर एलिमेंट्री आर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और दे आर स्टडीड विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों, सिंस सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज सच एज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स रिजेंबल्स विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज क्या भी बोलते हैं इनको, नोन एज सीडो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है, देखें यहाँ पे ये जो ऊपर वाली सीरीज दिख रही है आपको, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक क्लासिफिकेशन, ये आ जाती है 3D सीरीज, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आता है। ये वाइजर नमो टकरू रा पड़ अज कड, ये आ जाती है यट्रियम जिरकोनियम नायोबियम मॉलिबिडनम टेकेंशियम रुदीनियम रोहोडियम पैलेडियम सिल्वर और कैडमियम, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आज। ये लेंथनम यहाँ पे ले लो, ला हफ्टा वरियोज इरपट अवहज, ये आ जाती है 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। लास्ट वाली यहाँ पे अक और ये रफ दब सज बह हस मत दस रज कन, ये आ जाती है कौन सी सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या 6D सीरीज। तो क्लासिफिकेशन आ जाती है, जैसे एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में आप क्या करते हो, ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन करते हो ना, यहाँ पे सीरीज वाइज करते हैं। पहले आ जाता है क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज, इसके नाम भी आपको याद करने हैं। अब कौन सी है, सक टी व कर मन फी को नी कूजन,
एटॉमिक नंबर 20 से लेके 21 से लेके 30 तक है, 10 10 एलिमेंट, क्योंकि डी ब्लॉक में आते ही कितने एलिमेंट्स हैं एक सब शेल में, डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10, इसलिए 10। नाम भी याद करने, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। दूसरी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आर 4d, 4d क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में एंटर होगा। तो वाई, जर, नब, मो, टक, रू, रह, पड, अज, कड, ये कल याद करके आनी है इसकी। ये कहाँ से है, 30, पहली 21 थी ना उसमें 18 ऐड करो, 39, 39 से लास्ट तक ले जाओ 10, कितने होते हैं 39 से 10, 48 तक। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिबिडनम, टेकेंशियम, रुदीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है कौन सी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज R5D सीरीज, 5D सीरीज, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है 5D में, और इसमें कौन सा आता है, ला, हफ, टा, व, री, ओस, इर, पट, औ, हज, ये एलिमेंट्स आते हैं। ला हो गया लैंथनम, HF हफनियम, TA टेंटलम, W टंगस्टन, ये रहीनियम, ये ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मर्करी। इसका एटॉमिक नंबर पहले कितना लिया था आपने, 39, 39 में 18 ऐड करो, 57। फिर पता है आपको इधर क्या आते हैं, 14 एफ ब्लॉक आते हैं लैंथनाइड्स, तो 14 छोड़ दो बीच में से, ये 72 आ जाएगा इसका, 73, 74, 75 और लास्ट वाले का 80। ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। नेक्स्ट आ जाती है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, और इसको कहेंगे 6T सीरीज। इसमें मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही हैं। इसमें आ जाता है एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद फिर एक्टिनाइड्स आते हैं, फिर रफ, डब, सज, बह, बह, हस, HS, मत, दस, रज और कन। क्या हो गया, क्या कर रहे हो, तो ये एक्टिनियम से आता है। एक्टिनियम कौन सा एटॉमिक नंबर हो गया, 89। फिर ये छोड़ दो 90 से लेके आगे 103 तक, ये 104, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हैं। एक्टिनियम पहला, फिर रुदरफोर्डियम, फिर दुबीनियम, सी बोर्जियम, बोहोरियम, हसनियम, मेटेरेनियम, डर्मस्टेडियम, रॉइंटगेनियम और कॉपरनीशियम। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये कितनी सीरीज में क्लासिफाइड है, 4 सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 सीरीज, कौन कौन सी, हाँ कौन कौन सी सीरीज में है, 3D सीरीज आर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इन दिस केस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेन अल्टीमेट 3D सबशेल, इट इंक्लूड्स कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट 4D ट्रांजिशन सीरीज, इन दिस केस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेन अल्टीमेट 4D सबशेल, इट इंक्लूड्स यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिबिडनम, टेकेंशियम, रुद्रफोडियम, रुदीनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। 5D सीरीज, फिर इसी तरह से 60 सीरीज, ये आपने करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। पहला एनसीईआरटी सॉल्यूशन है 8.1, देख लो यहां पे बोल रहा है, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। सिल्वर एटम, सिल्वर कितनी एटॉमिक नंबर होता है सिल्वर का, 47। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कॉपर सिल्वर गोल्ड है,
इसकी क्रिप्टॉन आ जाएगा, कॉपर के नीचे है ये, और 4d10 और 5s1। ये डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे है, क्योंकि जब Ag2 पॉजिटिव करो आप तो क्या बन जाता है, ये क्रिप्टॉन 36, 4d10, 4d9, दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो, है ना। हाउ कैन यू से दैट इट इज़ ए ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज इट हैज पार्शली फिल्ड डी सबशेल, पार्शली फिल्ड डी सबशेल कहाँ पे, हेलो कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन, हाँ बिकॉज इट कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन डी सबशेल इन कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8.1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8.2। इन द सीरीज, सीरीज ले रहे हैं हम 3D सीरीज, बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट, जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोएस्ट है, ऐसा क्यों। देखो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उतने वो बॉन्ड बना सकता है और उतना मुश्किल होगा उसको एटम बनाना। जैसे ये देखो अगर एक एलिमेंट है एम, इसने बॉन्ड बना दिया किसी के साथ, दो चार बॉन्ड बना दिए, इसको एटम में कन्वर्ट करना होगा तो कितने बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, तीन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट है जिसमें कोई पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है ही नहीं है तो वो बॉन्ड कम बनाएगा या ऑलमोस्ट नहीं बनाएगा, तो इसलिए उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोएस्ट होगी। तो इसका रीज़न क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक इज, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है जिंक की, जो मैं लिखा रहा हूँ आप यहीं से लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूँ, फोटो खींच लेना, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, अर्गॉन 18 3d10 4s2। क्लियरली जिंक है, जिंक के पास क्या है, हैज फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो अगर फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं देयरफॉर इट हैज वीक मेटल, ऐसे इट हैज वीक मेटलिक बॉन्डिंग, मेटलिक बॉन्डिंग जो होगी इसमें वीक होगी, है ना। यस सर, इसलिए ये आसानी से एटम बन जाएगा ना, आसानी से अलग हो जाएगा, एंड हेंस इट हैज लो एंथैल्पी ऑफ, इसलिए इसकी लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। एटम बनाना बहुत इजी है क्योंकि इसमें मेटलिक बॉन्डिंग ही वीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द 3D, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड वाई। देखो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शायद हमने पहले भी किया होगा कभी जब रिडॉक्स में पढ़ रहे थे, कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है, नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होती है डी ब्लॉक के केस में, नंबर ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्लस नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स। तो बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें शो होगी, आपको पता होना चाहिए MN, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, अर्गॉन 18, 3D कितना और 4S कितना,
फोर एस टू, और थ्री डी कितना, फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, है ना। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी, जितने नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने एस, दो सर, टू। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होती है, अनपेयर्ड नंबर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स फाइव, और ये एस वाले सारे कितने, सेवन सेवन। तो एम एन जो होगा इन थ्री डी सीरीज, थ्री डी में यही एलिमेंट आएगा, इन थ्री डी एम एन एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम प्लस टू से लेके प्लस सेवन तक, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कौन, मैंगनीज। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये, हो क्लास में, यस सर। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है एक एलिमेंट की इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस थ्री का मतलब ये हुआ कि इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकाले भी हैं, आर्गन 18, 3d5। बोल रहा है इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, प्लस थ्री में दे रहा है ये, प्लस थ्री में, तो एटॉमिक नंबर पहले इसमें हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 18 और 5 कितने हो गए 23, और तीन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तीन वो भी ऐड कर लिए तो 26, एटॉमिक नंबर कितना आंसर आएगा 26. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ये क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन है, इसको देखना, बाकियों के केस में अलग आता है लेकिन ये सिर्फ कॉपर के केस में ये रीजन आता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टू बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cu2 पॉजिटिव की, Cu2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18, 3d9, और कॉपर 1 पॉजिटिव की क्या होती है, आर्गन 18, 3d10। बोल रहा विच वन इज मोर स्टेबल, इनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है, इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, बोलो Cu पॉजिटिव, नो Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, क्यों, बिकॉज ऐसे जनरली हम क्या देखते हैं, देखते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड, ठीक है। अगर आपको पूछा होता किसी ने कि Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, Fe2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 18 3d6, और Fe3 पॉजिटिव की होती है आर्गन 18 3d5। कौन ज्यादा स्टेबल होता, Fe3 पॉजिटिव, बिकॉज़ क्यों, Fe3 पॉजिटिव, सर हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आपको पता है इनऑर्गेनिक में थोड़े बहुत एक्सेप्शंस भी मिलते हैं। इधर देखो इसका एक रीजन तो ये भी है इसमें हाफ फील्ड है, दूसरा चार्ज भी देखो इसके पास क्या है, थ्री पॉजिटिव चार्ज, थ्री पॉजिटिव होने का मतलब है हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से पकड़ के रखेगा। यहाँ पे पहला रीजन तो नहीं बनता स्टेबिलिटी, Cu2 पॉजिटिव ही ज़्यादा स्टेबल होता है, आपने सुना होगा कॉपर सल्फेट CuSO4 CuCl2 मैक्सिमम 2 पॉजिटिव वाले ही शो करता है, ऐसा क्यों, बिकॉज Cu2 पॉजिटिव के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, बिकॉज Cu2 पॉजिटिव हैज़ मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से पकड़ के रख सकता है, तो यही ध्यान में रखना है आपने, ये एक एक्सेप्शन आप स्टार डाल के इस क्वेश्चन को करना, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके ठीक है, यस सर। तो ये था आज की हमारी इंट्रो, ठीक है, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।